नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। अगर आप बीएड और बीटीसी हैं और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि सरकार के माध्यम से शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी जानकारी दी गई है, जिसके बाद सुनकर आप सभी को भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लगेगा कि सरकार ने आखिर ऐसा क्या कर दिया और क्यों कर दिया, इसकी वजह क्या है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर सरकार के द्वारा 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर गुणगान किए जाते हैं, अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं या फिर मांग करते हैं कि 97,000 या 17,000 या फिर 51,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दें। इस विज्ञापन को जारी करने की जो मांग छात्रों की तरफ से की जाती है, उसके पीछे कारण बताए जाते हैं कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं और कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि 3,400 से ज्यादा एक जनपद के अंदर पद खाली हैं, तो किसी किसी विद्यालय के अंदर शिक्षक न होने के चलते विद्यालय के ऊपर ताले लग चुके हैं। लेकिन इसी बीच सरकार के माध्यम से बीएड बीटी से भी एक कदम जाकर एक नई सोच देखने के लिए मिली है, जिसमें उनके माध्यम से बताया गया है कि आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार किस प्रकार यहां से भर्ती करेगी और कौन कौन इस भर्ती में यहां से शिक्षक बन सकते हैं, क्या बीएड और बीटीसी के अलावा किसी और को भी शिक्षक बनाया जा सकता है। तो यहां से आप सभी के सामने एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है, क्योंकि इससे पहले आपने ऐसा तो सुना होगा कि शिक्षा मित्रों को रखकर शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा, अनुदेशकों को रखकर शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा, या फिर ऐसा भी आपने सुना होगा कि और भी अलग अलग योजनाओं को रखकर यहाँ से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा। लेकिन जब बात आई उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, छात्रों ने धरना प्रदर्शन किए, बीएड और बीटीसी लाखों रुपये खर्च करके यहाँ से कोर्स करके बैठे हुए हैं, टेट और सीटेट पास करके बैठे हुए हैं कि उनको शिक्षक बनने का मौका दिया जाए। लेकिन इसी बीच सरकार के माध्यम एक कदम आगे की सोचते हुए यहां से एक नई योजना शुरू की जा रही है, जो कि निश्चित तौर पे बीएड और बीटीसी के लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं, लेकिन उससे पहले एक अभ्यर्थी के तौर पे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही शेयर अवश्य कर दें और भी छात्रों तक, जिससे कि जानकारी उनको पूरे तरीके। आज सुबह के समाचार पत्रों में एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिली है, जिस पर आप सभी का गौर फरमाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये जानकारी आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगामी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भले ही प्रदेश के अंदर 51,000 शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है या फिर 97,000 शिक्षक भर्ती या फिर 17,000 को लेकर, लेकिन प्रदेश सरकार की क्या मंशा है वो आपको आज के एक समाचार पत्रों में फिर से देखने के लिए मिलती है। यहाँ पहली लाइन में लिखा है कि सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों के द्वारा स्कूल लौटने की तैयारियां हैं, मतलब ये है कि पहले से जो रिटायर हो चुके हैं उन शिक्षकों को वापस बुलाया जाएगा, बजाय उनके जो पहले से बीएड और बीटीसी करके लाखों अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उनको शिक्षक बनाए जाने के लिए सरकार उल्टी जाती हुई दिखाई दे रही है। नीचे आपके सामने जानकारी भी लिखी हुई है कि प्रदेश के अंदर परिषदीय विद्यालयों के अंदर सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को दोबारा से विद्यालयों में तैनात करने की मंथन चल रहा है, जिसको लेकर पढ़ाई से पिछड़ने वाले विद्यालयों के अगर बात की जाए बौद्धिक स्तर को सुधारने के लिए सहयोग करेंगे। इनकी तैनाती उन विद्यालयों में की जाएगी जहां पर एकल शिक्षक है, हालांकि नियुक्ति का प्रारूप क्या होगा अभी यह तय नहीं किया गया है, मतलब शासन के माध्यम से किस प्रकार यहां से नियुक्तियां की जाएंगी इसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन शासन के अधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर एक शिक्षक है या फिर जहां पर शिक्षकों की कमी है, उस शिक्षा व्यवस्था के अंदर सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को दोबारा से शिक्षक बनाया जाएगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि अगर ऐसे शिक्षकों की नियुक्तियां होती हैं तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ा नुकसान होगा, जो कि पहले से आप सभी को दिखता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि 2 साल हो चुके नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है और अगर यहां से सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को दोबारा से बुला लिया जाएगा तो शिक्षकों की कमी ही नहीं बचेगी। नीचे आप सभी के सामने लिखा भी हुआ है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, कि जल्दी समूची कार्य योजना को लेकर यहाँ से विभाग के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल मतलब SCERT के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर विचार विमर्श किए गए और इसकी प्रक्रिया को शुरू करने के बारे में जानकारी दी गई। बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर अगर बात की जाए, डायरेक्टर सरविंद विक्रम सर के माध्यम से यहाँ से बताया जाता है कि प्रदेश के लगभग 45 शिक्षाविदों ने गूगल मीट के जरिए अपनी बातों को रखा और बताया कि पठन पाठन के स्तर को बढ़ाने के लिए और जरूरी है कि शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए। सरकार का मानना है कि शिक्षकों की संख्या को बढ़ाया जाए और शिक्षकों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर वो मानते हैं कि सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को बुला लिया जाए। ये तो वही बात हो गई कि हमारे पास युवाओं की कमी है या फिर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी नहीं है, या हो सकता है कि बीएड बीटीसी करने वाले सभी छात्रों को नौकरी मिल गई हो, एक भी प्रदेश के अंदर बीएड बीटीसी ना बचा हो, इसी वजह से सरकार के माध्यम से ऐसा फैसला लिया गया है। क्या यह सच है? कमेंट करके बताएं कि क्या आप सभी को नौकरियां मिल चुकी हैं या फिर सरकार के माध्यम से इस प्रकार
के फैसले कहीं ना कहीं आगामी समय के अंदर बीएड बीटीसी करने वाले और कर चुके अभ्यर्थियों के लिए बड़ा नुकसान साबित होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए, विभाग के माध्यम से तैनात शिक्षकों को सिर्फ अध्यापन का कार्य लिया जाए, प्रत्येक शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय जाए, इसके बारे में भी सुनिश्चित किया जाए। नियमित रूप से कहीं और संबंध ना हो, मतलब उनका कहना है कि आगामी समय के अंदर ऐसे शिक्षकों को नियुक्ति यहाँ से दी जाएगी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या तो वो नियमित रूप से कहीं पर कार्य न करते हों या फिर राजनीतिक संस्था से न जुड़े हों। नीचे लिखा हुआ है कि SCRT के माध्यम से विचार विमर्श के बाद में फैसला लिया गया कि आगामी समय के अंदर जिनको भी यहाँ से सहयोग लिया जाएगा वह स्वैच्छिक होगा। इसके लिए शर्त होगी और संबंधित व्यक्ति को किसी अन्य संस्था से नियमित रूप से जुड़कर यहाँ से सेवा दे रहा हो तो उसको नहीं जोड़ा जाएगा, या फिर ग्राम सभा के अंदर कोई राजनीतिक अव्यवस्था ना हो, ऐसे में उन विद्यालयों के अंदर जोड़ा जाए। सेवा के बदले सम्मान व उपहार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी, इससे बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ शिक्षकों का भी सम्मान बढ़ेगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आगामी समय के अंदर क्या होगा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को यहाँ से नियुक्तियाँ की जाएगी। सरकार का मानना है कि प्रदेश के अंदर शिक्षकों की संख्या को बढ़ाई जाए, लेकिन शिक्षकों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, उनका ये मानना है कि सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को दोबारा से बुलाकर पठन पाठन को ठीक किया जाए बजाय नए शिक्षकों के बारे में। और इस मुद्दे को लेकर सिर्फ विचार नहीं किया जा रहा है, इस मुद्दे के बारे में सरकार गंभीर भी है। उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि शिक्षकों को दोबारा से विद्यालय में तैनात करने को लेकर मंथन चल रहा है। पढ़ाई में पिछड़ने वाले विद्यार्थियों की बौद्धिक स्तर से सुधारने के लिए सहयोग करेंगे और इनकी तैनाती उन विद्यालयों में भी होगी जो कि एकल है, मतलब उन विद्यालयों के अंदर भी यहाँ से प्रयास किया जाएगा जहाँ पर सिर्फ एक ही शिक्षक की नियुक्ति की गई है, या फिर एक भी नहीं है, या फिर है तो शिक्षा मित्र हैं, उनकी जगह पर यहाँ पर इनको रखकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। जिसको लेकर आगे की लाइन में लिखा हुआ जो पॉइंट है वो आपके लिए नई शिक्षक भर्ती के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। नीचे लिखा है कि जल्दी समूची कार्य योजना को लेकर तैयार करते हुए विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा। क्या इस प्रकार के मामले सरकार के माध्यम से अगर लिए जाते हैं तो ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ा नुकसान नहीं होगा, या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार का जो कार्य योजना है वो पूरे तरीके से साइड से रख दिया है। सरकार इस बात को जानती है कि प्रदेश के अंदर शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जानी है, लेकिन क्या वो नई शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से आगे बढ़ाए जाने पर पूरे तरीके से मौन है? क्योंकि एक तरफ 68,000 कराने के बाद में छात्रों को उम्मीद थी कि नई शिक्षक भर्ती का सरकार विज्ञापन जारी करेगी, सुप्रीम कोर्ट में 51,000 पदों की खाली होने की जानकारी भी दी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद छात्रों ने धरना प्रदर्शन लाठियां खाने के बाद भी सरकार नई शिक्षक भर्ती के बजाय इन पदों को सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों के माध्यम से या तो भरने पर विचार कर रही है या फिर उनको लाकर यहाँ से शिक्षा व्यवस्था के अंदर सुधार की बात की जा रही है। लेकिन नई शिक्षक भर्ती के बारे में सरकार का क्या एजेंडा है इसको लेकर ना तो शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं, ना ही शिक्षा विभाग बोल रहा है, ना ही सरविंद विक्रम सर ठाकुर बोल रहे हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को दोबारा से लाया जाए। इसके बारे में आप सभी क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। इसको लेकर सरकार की कोई भी मंशा हो, इन शॉर्ट ये है कि अगर सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों की यहाँ से नियुक्तियाँ होती हैं तो नई शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ा झटका होगा। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। मेरे हिसाब से पूरे तरीके से गलत है, नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए, लगातार बेरोजगार अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, सरकार को विचार करने की आवश्यकता है।